Hello friends, how is life? Is everything fine? I hope so. Today I went to cover a program of World Urdu Day in Ghalib Academy, New Delhi. Most of you must be knowing that the World Urdu Day is celebrated on 9th November on the birthday of Dr. Allama Sir Muhammad Iqbal. On this occasion, Professor Taqir Ahmad Khan has been given Allama Iqbal World Urdu Day Award. And as I believe, most of you must be knowing him, he is a senior professor and a renowned expert of Iqbalism in Urdu world. So friends, let's watch a short clip. After that, I will talk to you on very important topic in this video. उनका तालीमी करियर शानदार रहा है. मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाएं. अल्लामा इकबाल आलमी यौम उर्दू अवार्ड 2023 पर आए अदब आपकी खिदमत में पेश किया जाए. आपका ताल्लुक हसनपुर जिला दौलताबाद. Now friends, let's know that why do we celebrate the birthday of Dr. Allama Sir Muhammad Iqbal as the World Urdu Day, while we have lots of senior poets like Hazrat Amir Khusru, Mir Taqi Mir, Mirza Ghalib, etc. But we celebrate the birthday of Iqbal as the World Urdu Day. Why is it so? In this regard, I questioned some intellectuals over there. Let's watch that video. जनाब सैयद अहमद साहब, आपने वर्ल्ड उर्दू डे पर इतना बड़ा जलसा करवाया और ये पहली बार नहीं है. मैंने सुना है कि पिछले 20-25 सालों से आप इस तरह का जलसा करवा रहे हैं इकबाल के बर्थडे पर. तो इस तरह के जलसे का क्या मैसेज है हमारे समाज में, हमारे नौजवानों में, इसका क्या मैसेज जाएगा और क्या मकसद क्या है इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 26वां साल है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में उर्दू के तहत बेदारी पैदा हो रही है. और अभी आपने देखा होगा कि एक नौजवान ने किस तरीके से लोगों का हौसला बढ़ाए हैं कि उर्दू के अंदर कितना रोज़गार है, कितने मौक़े हैं तरक्की के. तो ये हौसला मिलना नौजवानों को हमारा बुनियादी मकसद है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा है. और देखिए कि लोगों का मजमा, लोगों का मिलना जुलना और उर्दू के हवाले से बात करना, ये बहरहाल बड़ी चीज़ है. हम उम्मीद करते हैं कि उर्दू के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा मुजाहिदीन पैदा होंगे. सर, एक बात और जानना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड उर्दू डे इकबाल के यौम पैदाइश पर ही मनाते हैं, तो इसके हवाले से अगर दरअसल अल्लामा इकबाल जो है वो न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे दुनिया में हर तरह का इंसान, हर तबके फिक्र का इंसान उनके कलाम को पसंद करता है. जो उर्दू जानता है, जो फारसी जानता है, वो अल्लामा इकबाल को जानता है. उनका दायरा भारत से बाहर, ख़ास तौर से पूरे गल्फ़ और यूरोप, अमेरिका, हर जगह शायद उनके मौजूद हैं. एक बात, दूसरी बात, उन्होंने जो भारत के हवाले से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौमी तराना दिया है, उस वज़न का तकरीबन 120 साल हो रहे हैं, कोई शायर किसी ज़बान ने पेश नहीं किया. तो ये अल्लामा इकबाल की शख्सियत को मलहूज रखते हुए उर्दू डे का तयन किया गया. उसे हम आलमी यौम उर्दू का नाम देते हैं इसलिए कि आलमी शोहरत याफ्ता है. ये हम समझते हैं कि चूँकि कोई बड़ा जो कुछ भी है, जैसे पंडित नेहरू साहब, उनका जो यौम पैदाइश है 14 नवंबर इसी महीने में, वो बच्चों का दिन माना जाता है, चिल्ड्रंस डे. ऐसे बहुत सारे डेज हैं जो किसी न किसी बड़े शख्सियात से वाबस्ता हैं और शख्सियत काबिल कबूल हो. तो अल्लामा इकबाल को हमने महसूस किया. आज देखिए, कोई शायर कम नहीं है, सबकी अपनी अहमियत है. मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़ी शख्सियत है और उनसे भी ज़्यादा बेशुमार लोग हैं. और शोरा के अलावा
अदीब भी बहुत हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल को जो मुकाम हासिल है वो कम लोगों में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हैं दोस्तों माहिर इकबालियात प्रोफेसर तौकीर अहमद ख़ान साहब। तो सर, सर से मैं बस इतना से जानूंगा सर आपसे कि इसे इकबाल डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में, चूँकि आपने बहुत दुनिया देखा है सर, तो किस तरह की तब्दीली आप पाते हैं? क्या वो जोश बढ़ा है क्या जो 20 साल 25 साल या 30 साल पहले हुआ करता था? इकबाल डे जो मनाते हैं, जो लोग उर्दू जानते हैं, जो लोग फारसी जानते हैं, जो लोग अंग्रेज़ी जानते हैं, जो लोग जर्मनी जानते हैं, जो लोग फ़लसफ़ा जानते हैं, जो लोग सियासत जानते हैं, वो सब जो हिस्ट्री जानते हैं, अदब जानते हैं, वो सब इकबाल को पसंद करते हैं। उस ज़माने में एक ज़माने में इकबाल को जाने वाले, इकबाल को चाहने वाले बहुत मौजूद थे। उनके इंतकाल के बाद बड़ी अहम तसानीफ़ लिखी गई, बड़ी किताबें लिखी गई उनके फ़लसफ़े पर, उनकी सियासत पर, उनके अदब पर। अब थोड़ा सा ये ज़रूर है कि उस तरह के उसके यूसुफ़ हुसैन ख़ान जैसे, या आबिद हुसैन जैसे, या अब्दुल मजीद सालिक जैसे, या और दूसरे जो उनके साथी थे अल्लामा इकबाल के, वो लोग तो अब मौजूद नहीं हैं, वो फ़िक्र तो अब मौजूद नहीं है, लेकिन उनका कलाम हमारे सामने मौजूद है। तो लोग अब भी जो पढ़ता है इकबाल को, बहुत सारी देख रहा हूँ मैं, इसके बावजूद वो तसानीफ़ तो नहीं लिख पा रहे हम लोग, लेकिन इकबाल से मोहब्बत का जज्बा बहुत है, अब भी कम नहीं है। अभी जगह जगह जोश अब भी मौजूद है। और जब अभी हकीम साहब फरमा रहे थे, जब तराना हिंदी मौजूद है तो वो उसी जोश के साथ पढ़ा जाता है, जो शिकवा है उसी जोश के साथ पढ़ा जाता है, जो जवाब शिकवा है उसी जोश के साथ पढ़ा जाता है। उनका मकसद ये कि कलाम इकबाल अब भी लोग इसी तरह से पसंद करते हैं और उसी को इसी तरह से देखते हैं जैसे अल्लामा इकबाल के ज़माने में था। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल पर बढ़ने। Now friends, I would like to say you thank you so much for watching this video. I will surely meet you very soon in my next video. Till then, take your good care. And I have a special request for you. Please subscribe this channel if didn't yet. Bye for now.